तो बस कोलकाता लेडी डॉक्टर के रेप एंड मर्डर केस के बारे में अभी तक आपने थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा। अगर आपको बिल्कुल भी इस चीज के बारे में नहीं पता है तो आप मेरा लास्ट वीडियो जाके देख सकते हो। एंड गाइस इसी केस से रिलेटेड एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज बाहर निकल के आई है। जिस हॉस्पिटल के अंदर उस लेडी डॉक्टर की लाश मिली थी उसी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने ये चीज रिवील करके बताई है। जैसे ही हमारे लेडी डॉक्टर्स इस केस के रिगार्डिंग आंदोलन करने के लिए बाहर जाते हैं उसी दौरान देर रात में ट्रकों के अंदर हजारों की संख्या में भर के लोग आते हैं। उन्होंने सीधा हॉस्पिटल के अंदर अटैक करना शुरू कर दिया। हॉस्पिटल के अंदर भारी भरकम तोड़फोड़ भी करी गई, पेशेंट्स को भी मारा गया, लेडी डॉक्टर्स को भी मारा गया एंड जो मेल डॉक्टर्स हैं उनको भी नहीं छोड़ा गया। इसी के चलते हॉस्पिटल के अंदर जितने भी डॉक्टर्स लोग मौजूद थे वो भाग भाग के अपनी जान बचा रहे थे, हॉस्पिटल की छतों के ऊपर जाके छुप के बैठ रहे थे ताकि उनकी जान बच सके। लोग यहाँ के रेसिडेंट्स डॉक्टर हैं, आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं, हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टेम्पर किया जाए और यहाँ का जो लोकल पुलिस है ये कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाया है। हम लोग आजकल के डॉक्टर्स हैं और हम लोग एक जो भी आजकल में जो घटना हुआ है उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कुछ दिनों से और आज हम लोग रात में 11 बजे जितना भी एक ऑल फीमेल मार्च प्लान था यहाँ से एक पीसफुली सारी फीमेल डॉक्टर्स जाने वाले थे शाम बाजार तक और बाहर एकदम से बहुत सारा मॉब इकट्ठा हो गया और पुलिस उनको रोक नहीं पाई और पूरा मॉब अंदर घुस गया। हम लोग अपनी जान बचा के भागे हैं, उन लोगों ने किसी को देखा नहीं। जो जो भी वीडियोस आ रहे हैं या जो जो भी बातें सुनने में आ रही है जो उनके सामने आ रहा था उनको मार रहे थे। हम पेशेंट पार्टी सबको उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर्स को भी बहुत ज्यादा चोट लगी है, कोई इधर सब लोग अलग अलग जगह छुपे हुए हैं। जैसे आप देख रहे हैं हम लोग भी एक जगह पे। एंड इसी के साथ साथ वहां पे मौजूद डॉक्टर्स ने ये चीज भी रिवील करके बताई। अक्सर हम लोगों ने ये चीज देखी है जहां पर भी घटना स्थल पे घटना घटित होती है उस स्थान को दूर दूर तक सील कर दिया जाता है, वहां पे किसी को भी नहीं आने दिया जाता, बट इस हॉस्पिटल के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हॉस्पिटल के अंदर ये सीन देखा जा रहा है, जिस स्थान पे घटना घटित हुई थी उसकी कुछ दूरी के ऊपर ही हॉस्पिटल के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम जारी कर रखा है और वहां पे साथ में पुलिस भी मौजूद थी। सब कुछ देखने के बाद ऐसा ही लग रहा है जैसे कि मानो सबूतों को मिटाने की कोशिश करी जा रही हो एंड ऐसा भी लग रहा है मानो इन सारी चीजों के अंदर और भी लोग इन्वॉल्व है जिनको बचाने की कोशिश करी जा रही है। well, guys, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइस वेस्ट बंगाल के अंदर इसी से रिलेटेड एक वीडियो भी अभी काफी ज्यादा वायरल जा रहा है जहां पे एक डॉक्टर के क्लिनिक के अंदर एक बंदा घुसता है, उनके साथ में जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, रेप करने की कोशिश करता है, बट वो जो लेडी डॉक्टर थी वो काफी ज्यादा बहादुर थी। वो लेडी अपने हाथ में सीजर लेके उस बंदे को दौड़ाने लगती है एंड इसी चीज का उन्होंने वीडियो भी शूट करा। चलो देखो, चलो का मेरे ठुक तो बजाय कांच की बात होता हाय सो यार गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।